नेशनल फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस में बनाए गए देश के विभिन्न भागों से बनाए गए चिकित्सक वर्ग और इसके प्रमुख आयोजन करता श्री प्रसन्न जी हितेश जी परमार और अन्य गणमान्य अतिथिगण। आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धति के बारे में यहाँ पर साइंटिफिक सेशन हुआ है और उसी घड़ी के अंदर आज मैं आपके सामने एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो कि प्राचीन काल हमारे विश्व की जीवन पद्धति थी, जैसे इंडियन लाइफ स्टाइल भारतीय जीवन पद्धति थी, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज वाली चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यह हमारे देश की प्राचीनतम जीवन पद्धति रही थी। तमन्नाओं की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, लेकिन आता वही है जिसका तन और मन स्वस्थ होता है। और तन और मन को स्वस्थ करने के लिए विश्व में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां रखी गई हैं और उन्हीं चिकित्सा पद्धतियों में कुछ ऐसी चिकित्सा पद्धति भी हैं जिसके माध्यम से हम न केवल निरोगी जीवन जीते थे बल्कि हमारा आयुष्य भी लंबा होता था, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता। और वह थी हमारी भारतीय जीवन पद्धति। क्या थी भारतीय जीवन पद्धति? वेरी सिंपल, हम खुले पैर चलते थे तो हमारे पांव में रहे हुए सारे प्रतिबिंब केंद्र दब जाते थे और हम स्वस्थ और निरोगी रहते आए थे। हम घर का सारा कार्य हम हाथों के माध्यम से करते थे तो हाथ में रहे हुए प्रतिबिंब केंद्र दब जाते थे, हम स्वस्थ और निरोगी रहते आए थे। इसके साथ ही भारत की एक प्राचीनतम पद्धति परंपरा, जहां पांव में पायल हार में कंगन वो मां थे विद्या, ये देश इस देश की संस्कृति में हम विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। क्या ये आभूषण हमारे केवल सौभाग्य के प्रतीक है? क्या ये आभूषण केवल सौंदर्य के प्रतीक है? नहीं, बल्कि इसमें छुपा हुआ है द सीक्रेट ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी, यानी कि एक गहरा राज छुपा हुआ है। इसमें साइंटिफिक रीजन रहा हुआ है कि जिसके कारण इन प्रकार के विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण किए जा रहे हैं और जिन जिन स्थानों के ऊपर हम आभूषण धारण करते हैं वहां पर हमारे शरीर के कुछ लाभ बिंदु आए हुए हैं, वह तपते रहते थे और हम स्वस्थ और निरोगी रहते आए थे। ये आभूषण केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के भी धारण करने की परंपरा प्राचीन काल से इस देश में विद्यमान थी और साथ ही आज भी देश के विभिन्न और प्राचीन काल के अंदर आपने बहुत सारे सीरियल्स के अंदर देखा है कि किस प्रकार के हम विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण किए जाते हैं प्राचीन काल में। और तो आज भी देश के विभिन्न स्थानों के ऊपर इस प्रकार की आभूषण धारण करने की परंपरा विद्यमान है। और तो और